मेरे पति के अपराध को क्षमा करो और मेरे जीवन को मंगलमय बनाओ, कल्याणमय बनाओ। आप कल्याण करने वाले देवता। रति की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने रति को वर दिया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। नरलीला के क्रम में भगवान के 16,108 रानियां भी होंगी। उनमें रुक्मिणी के उदर से भगवान श्री कृष्ण के जो सुपुत्र होंगे वे ही प्रद्युम्न जी महाराज तुम्हारे पति होंगे। जब तक भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हो जाता है तब तक तुम्हारे पति कामदेव बिना शरीर के ही सबके अंग में निवास करेंगे। बिना अंग के होने के कारण ही कामदेव का नाम अनंग परा। शरीर लेकर संसार के लोग विचरण करते हैं और सब शरीरों के अंदर रहकर बिना शरीर के ही सारे विकार विचरण करते हैं। विकारों का कोई शरीर नहीं होता लेकिन बिना शरीर का ही विकार संसार के सभी मनुष्य को अपना शिकार बना रखा है। भगवान ने कहा अवश्य ही तुम्हारे पति का कृष्णावतार तक कोई शरीर नहीं होगा लेकिन बिना शरीर के ही उनमें अपार सामर्थ्य होगा। वह मनुष्य मात्र के लिए महादुर्जय होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जीव के लिए दो महाशत्रु हैं जो सदैव रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण का संचार अधिक होता है उसी के अंदर काम और क्रोध ये दुर्विकार प्रबल होते हैं। जिस मनुष्य में तमोगुण का संचार अधिक होता है उसी के अंदर ईर्ष्या और अहंकार उत्पन्न होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर सत्गुण का संचार होता है उनमें समग्र विकारों को दमन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होने वाला दो प्रबल दुर्विकार है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप मा विद्येन व्यवैरिणा। ये दोनों शत्रु सदैव भूखे ही रहते हैं। महासनो बहुत भूखा, ना तो काम का पेट कभी भरता है ना क्रोध का पेट कभी भरता है।
को भी अग्नि का स्वरूप बतलाया है, क्रोध को भी अग्नि का स्वरूप बतलाया है, दोनों प्रचंड अग्नि है। जैसे प्रचंड अग्नि में ईंधन डालते जाएं और वे भस्म होते जाएंगे, वैसे ही काम और क्रोध जब तक मन में उत्पन्न होते रहता है, तब तक जितने भी धर्म कर्म करते जाएं सब भस्म होते जाएंगे। सारे सत्कर्मों को भस्म कर देने वाले ये काम क्रोध रूपी प्रचंड अग्नि है। महाशनो यह सदैव भूखा ही रहता है। जैसे ईंधन को पाकर लकड़ी और उत्तरोत्तर अग्नि और उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, वैसे ही भोग्य सामग्रियों को जितना देंगे वासना की आग उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। महापापमा ये दोनों विकार बड़े पापी हैं। जब तक हृदय में ये दोनों चैतन्य होकर रहते हैं, तब तक मनुष्य से सदा पाप ही कराता रहता है। इन दोनों दुर्विकारों के कारण ही मनुष्य सदैव पाप में ग्रस्त रहता है, पाप में लीन रहता है। तो भगवान ने सबसे पहले कहा कि यह बहुत भूखा है, यह कभी शांत नहीं होता, विषय भोग रूपी घृत को पाकर यह और उत्तेजित उद्वेगित और प्रचंड होते चले जाता है। और जब तक कि साधकों का सत्यानाश नहीं कर देता, तब तक यह विकार शांत नहीं होता। महापापमा यह बड़ा पापी है। और जीव के लिए सबसे बड़ा शत्रु है विद्धेन मिहवेरिन, अंदर के प्रकाश को अंदर के ज्ञान को मिटा देने वाला जीव का यह महाशत्रु है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, आपने दोनों विकारों को जीव के ज्ञान को समाप्त कर देने वाला महाशत्रु बतलाया, तो पहले मैं काम को जीतूं कि क्रोध को जीतूं? दोनों में प्रबल कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रबल तो दोनों है, लेकिन पहले मन में काम उत्पन्न होता है, उसके बाद क्रोध उत्पन्न होता है। कामना जब तक पूरी नहीं होती, वासना जब तक पूरी नहीं होती, तब तक क्रोध उत्पन्न होता रहता है। वासना जब पूरी हो जाती है तो क्रोध शांत हो जाता है। अप्राप्त काम को, अप्राप्त कामना को क्रोध कहा गया है। काम पूर्ण नहीं हुआ, वासना पूरी नहीं हुई, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामात क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। यदि मन में काम ही उत्पन्न नहीं हो तो क्रोध स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होगा। अप्राप्त काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है।
ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सुखजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। विषयों के चिंतन करने से, विषयों को प्राप्त करने की इच्छा मन में जागृत होती है। विषयों के चिंतन करने से मन में काम उत्पन्न होता है। काम के उत्पन्न होने से मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के उत्पन्न होने से अज्ञानता मन में उत्पन्न होती है। अज्ञानता के उत्पन्न होने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि के भ्रमित हो जाने पर बुद्धि शक्ति काम करना बंद कर देती। बुद्धि शक्ति जब काम करना बंद कर देती है तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उसका सर्वनाश हो जाता है। मूल में काम है और अंत में सर्वनाश है। काम ही बढ़ता हुआ आदमी को सर्वनाश तक पहुंचा देता है। कामात क्रोध विजायते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम कहते हो दोनों में पहले किसको जीतूं, तो जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुराशत्रु, कामरूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम खत्म तो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाए। जब तक काम भस्म नहीं हुआ था तब तक भगवान शिव चारों ओर आंखें लाल करके देख रहे थे, मुझे व्यथित कर देने वाला, मेरी समाधि को तोड़ देने वाला, मेरे ऊपर प्रहार करने वाला कौन दुष्ट है, चारों ओर देख रहे हैं। जब तक कामदेव भस्म नहीं हुआ था तब तक भगवान शिव बड़े क्रुद्ध होकर चारों तरफ देख रहे थे। जैसे तीसरी आंख खुली, काम भस्म हुआ, तो भगवान का क्रोध भी शांत हो गया। काम के भस्म होते ही क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन भस्म होगा कैसे? तब शिव तीसर नयन उभारा चितवत काम भयो जरि छारा। दोनों आंखों में जो देखने की शक्ति आ रही है, दोनों आंखों में जो चेतन की धाराएं आ रही हैं, जहां से वो धाराएं दोनों आंखों में आ रही हैं, वहीं पर जब वह चैतन्यमयी धाराएं केंद्रित हो जाती हैं, वहीं पर सिमट जाती हैं, वहीं पर वह धारा निरुद्ध हो जाती हैं, दोनों आंखों की तरफ नहीं आ पाती है, तब वह तीसरी आंख खुलती है। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में भगत लोग प्लेन का टिकट बनाकर भेज देते हैं। पहली बार जब मैं दिल्ली से रांची जा रहा था, पंजपाल संत बिजी महाराज के साथ में मैं था, उन्होंने मेरे से कहा एयरपोर्ट पर एक गिलास पानी ले आइए, लघु शंका जाएंगे। मैं गया पानी के लिए, नल के पास गया, टोटी लगी हुई थी, टोटी को मैंने घुमाया लेकिन पानी गिरा नहीं। अब क्या करो, कुछ लोग देख रहे थे, कई टोटियों को घुमाया, पानी कहीं से नहीं। मैंने झुंझला कर कहा इतने इतने पैसे देते हैं और किसी भी टोटी में पानी नहीं। तब
व्यक्ति ने कहा, महाराज पानी तो सभी टोटियों में है, लेकिन आप जिस तरह से पानी लेना चाहते हैं उस तरह से पानी नहीं मिलेगा। यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है सब, पानी मिलेगा कैसे? टोटी घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। टोटी के सामने आप गिलास को ले जाइए, पानी अपने आप गिरेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। टोटी के सामने मैं गिलास को ले गया और पानी अपने आप गिलास में गिरने लगा। मैंने कहे थे भेजे का सिस्टम है, गिलास भर गया, अब टोटी को बंद करूं कैसे? मैंने कहा बंद तो होता नहीं, अपने आप गिर रहा है। कहा महाराज बंद करने के लिए भी आपको कुछ करना नहीं, केवल गिलास को हटा लो अपने आप बंद हो जाएगा। जब तक गिलास सामने रहेगा पानी गिरता रहेगा, हटा लोगे और अपने आप बंद हो जाएगा। मैंने हटाया और अपने आप पानी बंद हो गया। उस समय तो पानी ले आया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा इस रहस्य का ज्ञान हुआ। ठीक यही सिस्टम है अंदर में, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब तक हमारी वृत्ति, जब तक हमारी सूरत दोनों आंखों के बीच में स्थिर होकर के रहती है, तब तक तो परमात्मा की ज्योति रूपी धारा बहती रहती है सामने। जैसे सूरत वहां से हटती है अपने आप बंद, बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है। जहाँ संतों ने, महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने, शास्त्रों ने अंदर में देखने के लिए बताया है, वहाँ देखते रहेंगे, अच्छी तरह से स्थिरता पूर्वक देखते रहेंगे, तब तक तो वहाँ अनुभूति होती रहेगी। दृष्टि मन इधर उधर गया, बस बंद, बस अपने सूरत रूपी गिलास को दसवां द्वार रूपी टोटी के सामने ले जाइए, चेतनात्मिका ज्योति की धारा बहने लग जाएगी। वहां से सूरत रूपी गिलास को हटा लीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। तब शिवति सर नयन उभारा, चितवद काम भयो जल छारा, वह दृष्टि, वह नेत्र, वह ज्योति का प्रवाह हमारे सामने है। उस प्रकाश में काम को भस्म करने की शक्ति है। प्रकाश क्या है? वह अग्नि का ही प्रतीक है, अग्नि से ही प्रकाश प्रकट होता है, बिना अग्नि का प्रकाश हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं अग्नि का पिंड जरूर है जहां से प्रकाश फैल रहा है। यह सूर्य क्या है? वह अग्नि का पिंड है, वहां से प्रकाश फैल रहा है, अग्नि से प्रकाश होता है। संपूर्ण शरीर में गर्मी मालूम पड़ती है, संपूर्ण देह में चमक मालूम पड़ती है, संपूर्ण शरीर हमारा प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन इस प्रकाश का केंद्र कहाँ है? वह अग्नि पिंड कहाँ है? तो दोनों आंखों के बीच में दसवां द्वार में, दृष्टि की दोनों धाराएं दसवां द्वार में केंद्र हो जाती हैं, तब उस अग्नि पिंड का दर्शन होता है। और उस अग्नि पिंड के दर्शन होते ही इन दोनों आंखों में जो प्रकाश आ रहा है, वह प्रकाश का स्रोत अपने आप बंद हो जाता है। जब तक अग्नि पिंड का दर्शन नहीं हुआ है, तभी तक प्रकाश में फैलाव होता है, तभी तक वह प्रकाश स्थूलता की तरफ फैलता है। अग्नि पिंड में सूरत के केंद्रित होते ही प्रकाश का स्थूलता में फैलना बंद हो जाता है। तो हमारी दृष्टि के फैलाव में ही अंधकार है,
दृष्टि के पूर्ण से मिटा रहे प्रकाश। आप देखिए, दो पत्थर को आपस में टकराइए, चिंगारी मिट गई। पत्थर को हटा लीजिए, चिंगारी। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तारे हैं, दोनों को मिलाइए तो प्रकाश हो जाएगा, दोनों तारों को हटा लीजिए तो अंधकार हो जाएगा। वही बात है, जब तक दोनों दृष्टि एक स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित है, तब तक आपके भीतर में प्रकाश है। दृष्टि जैसे फैलती है वैसे अंधकार। तो दृष्टि के पूर्ण सिमटा में ही प्रकाश है। जहां तहां सिमटने से भी काम नहीं बनेगा। एक लक्ष्य है, एक पॉइंट है, वहां पर जब दृष्टि सिमटती है तब प्रकाश होता है। दृष्टि के सिमटाव में प्रकाश है, दृष्टि के फैलाव में अंधकार। दृष्टि फैल गई तो अंधकार ना, अंधकार किसी ने आपके भीतर में ला दिया है, सो बात नहीं। बहुत लोग कहते कहाँ कुछ दिखता है, कहाँ कुछ मिलता है। दृष्टि जब तक फैली रहेगी कुछ नहीं मिलेगा, दृष्टि सिमट जाएगी सब कुछ मिलने लगेगा। दृष्टि जुगल कर धरु सोय बिंदु में झलकत श्वेत निशान तुरंत का चिन्ह प्रकट होता है। तो हम प्रकाश पिंड में जलाने की शक्ति है। भगवान शिव ने उस प्रकाश पिंड को प्रकट कर दिया। तो काम विकार भस्म हो गया, कतब हो गया। हम आप भी खत्म कर सकते हैं। जब विकार खत्म होता है तभी यह निर्मल जीव निर्मलतम परमात्मा का साक्षात्कार करता है, तभी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। पार्वती जी से सप्तऋषियों ने जाकर फिर कहा, अब तो हो गया ना, अब तो काम विकार को जला करके भगवान शिव ने खत्म कर दिया, अब उनसे शादी करके क्या करोगे, अब तो वंश परंपरा वहां से चलेगी नहीं। लो तुम्हारा सब किया कराया तब खत्म हो गया, अब काम रहा नहीं, अब शादी करके उनसे क्या होगा। भगवान ने कहा, सप्तऋषि तुम्हारी दृष्टि में भगवान शिव पहले विकारवान थे, अब उन्होंने विकारों को खत्म कर दिया, लेकिन हमने शिव में कभी कोई विकार नहीं देखा। ये तो काम रहित हैं, वासना रहित हैं, बंधन से रहित हैं, कल्याण के स्वरूप हैं। हम तो सदैव उनको निर्विकार ही समझते रहे। अब उनसे विवाह करके क्या होगा, काम तो उनके पास रहा ना, काम को भस्म कर दिया। कहा अभी तो विवाह होगा, जब तक काम रहता तब तक उनसे विवाह हमारा होता ही नहीं। जब तक जीव और राम के बीच में काम घुसा हुआ रहता है तब तक जीवात्मा परमात्मा रूपी राम को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जब तक जीव और शिव के बीच में विकार घुसा हुआ रहता है तब तक वह विकारी जीव शिव को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जीव और शिव के बीच जब विकार समाप्त हो जाता है तब यह जीव निर्विकार होकर परम निर्विकार परमात्मा को प्राप्त होता है। पार्वती जी ने कहा अब विवाह होगा, अब तक तो संदेह था, जब तक काम था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, समग्र दुर्विकारों को जन्म देने वाला,
काम रूपी शत्रु हमारे बीच में था, तब तक तो बड़ा संदेह था कि शिव को हम कैसे प्राप्त करेंगे, विकारों के रहते हम शिव को कैसे प्राप्त करें। अर्जुन से भगवान ने कहा था, जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासन। हे अर्जुन, तुम काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो, यही बीच में बाधा डालता है। भगवान खुश हो गए, अब शिव मिलेंगे। मैं यदा कदा कहा करता हूं, राष्ट्रपति की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा, कलेक्टर की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा, जो उन्हीं के समान योग्यता रखने वाला होगा। उसी तरह से परमात्मा का दर्शन कौन करेगा, जो परमात्मा के ही समान निर्विकारी होगा, जो परमात्मा के समान निर्मल होगा, जो परमात्मा के समान विशुद्ध होगा, परमात्मा के समान इंद्रियातीत, त्रिगुणातीत, देहातीत, जितने दिव्य सद्गुणों से परमात्मा विभूषित हैं, उतने ही दिव्य सद्गुणों से जब यह जीव विभूषित हो जाता है, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रसंग है, जीव और शिव के मिलन प्रसंग है। यह आत्मा ही पार्वती है और परमात्मा ही शिव है, आत्मा और परमात्मा के मिलन प्रसंग है, श्रद्धा और विश्वास के मिलन प्रसंग है। जब श्रद्धा की प्राप्ति होती है तब विश्वास प्राप्त होता है, श्रद्धा के बिना विश्वास होता ही नहीं। जब अटूट श्रद्धा होती है तब मन में विश्वास होता है, हाँ ईश्वर सर्वत्र है। श्रद्धा ही नहीं तो ईश्वर के व्यापकत्व पर विश्वास होगा ही नहीं। पार्वती जी बहुत खुश हैं, शिव तो अब मिलेंगे। तुम कहते हो शिव जी ने काम को खत्म कर दिया, विवाह करके करोगे क्या, विवाह तो अब होगा क्योंकि काम खत्म हो गया। जीव और शिव के बीच में जो विकार का वो पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा खत्म हो गया। विकार के रहते जीव शिव को कैसे प्राप्त कर सकता है, अब भगवान शिव ने विकार को खत्म कर दिया है। और यह भी याद रखिए, साधक भक्त अभ्यासी अपने अंदर के दुर्विकारों को समाप्त करने की कोशिश भर ही कर सकता है। कोशिश हमारी और कृपा प्रभु की, हम कोशिश कर सकते हैं, इन दुर्विकारों को नष्ट नहीं कर सकते। दुर्विकार को नष्ट मालिक करेंगे हम कोशिश भर कर सकते हैं। सुग्रीव ने बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया भगवान श्री राम के सामने, यह गुण साधन ते नहीं हुई। हे प्रभु, अपने बस की बात नहीं, किसी भी विकारों को बस में कर लेना अपने बस की बात नहीं, यह अपनी साधना से नहीं हो सकती, यह अपने अभ्यास से नहीं हो सकता, यह गुण साधन ते नहीं हो। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपके ही कृपा से यह संभव हो सकता है, नहीं तो किसी भी विकारों को बस में करना असंभव बात है, यह अपने बस की बात नहीं, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। दादा दयाल जी महाराज ने अब राखो राखन हार दादू क्यों रहे, अब प्रभु आप जिस तरह से रखो, विकारी बना करके रखो चाहे निर्विकारी बना करके रखो, प्रमादी बना करके रखो चाहे अप्रमादी बना करके रखो, संसारी बना करके रखो चाहे संसार से पार लगा दो, अब आपके ऊपर है, अब राखो राखन हार दादू क्यों रहे, यह गुण साधन ते नहीं होगी। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, भक्त अभ्यास कर सकता है लेकिन अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता,
अनुभूति तो सदगुरु के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। जब वो प्राप्त करना चाहेंगे, उन्हीं में सारे दुर्गुणों को दूर करने की शक्ति है। हम कोशिश करते जाएंगे, वे दुर्गुण को दूर करते जाएंगे। भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया। शिव है, वे ही विकार को नष्ट कर सकते हैं, जीव कोशिश कर सकता है। हजारों हजार वर्ष की तपस्या के फल स्वरूप भवानी के अंदर जो विकार था उसको नष्ट कर दिया। शिव के पास तो विकार आ ही नहीं सकता है, विकार तो जीव के पास आता है, जीव के विकार को शिव ने नष्ट कर दिया। सब ऋषियों ने कहा अब क्या करोगे विवाह करके, विवाह तो अब होगा, विकार खत्म हो गया। जीवात्मा तो अब परमात्मा को प्राप्त होगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन तो अब होगा, तुम क्या कहते हो? शिव जी ने काम को खत्म कर दिया तो विवाह करके क्या करोगे? आत्मा और परमात्मा का मिलन तो अब होगा, क्योंकि विकार जो बीच में बाधा बनकर खड़ा था वह खत्म हो गया। प्रभु ने विकार को खत्म कर दिया, अब मेरा विश्वास है कि प्रभु जरूर अपना लेंगे, क्योंकि अब हम निर्विकारी हो गए, अब हम पवित्र हो गए, अब हम विशुद्ध हो गए, अब भगवान शिव जरूर हमें स्वीकार करेंगे। सप्त ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहो भवानी में कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है, देवी तुम धन्य हो। मन ही मन भवानी पार्वती को प्रणाम कर सप्त ऋषि गए हिमाचल के पास। हिमवान अब अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करो, अब तुम्हारी पुत्री भगवान शिव को प्राप्त करने के योग्य हो चुकी है, क्योंकि भगवान शिव तो अकाम है, निर्मल है, विशुद्ध है। विशुद्धतम परमात्मा रूपी शिव को प्राप्त करने के लिए भवानी विशुद्ध हो चुकी है, इसलिए अब विवाह की तैयारी करो। अच्छा दिन, अच्छा नक्षत्र, अच्छी घड़ी शोध करवाया पंडितों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा, और लगन पत्री ब्रह्मा जी के पास भेज दी गई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्री को देखकर बड़ा आनंद को प्राप्त हुआ। भगवान शिव के पास विष्णु भगवान, समग्र देवता, ब्रह्मा जी, सप्त ऋषि सब के सब आए। महाराज अब विवाह की तैयारी करो। हिमाचल ने यह लग्न पत्री भेजा है, अब पार्वती जी को स्वीकार कर। सब प्रकार से पार्वती निर्मल हो चुकी है, जैसे आप निर्मल हो वैसे ही भवानी निर्मल हो चुकी हैं। आप में अपार श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, प्रभु अब स्वीकार कर लो। विकारहीन मन होना चाहिए और अश्रद्धा से हीन अंतःकरण होना चाहिए, अभिमान से रहित दिल होना चाहिए और साधना में पहाड़ के समान अचलता होनी चाहिए। इतनी भूमिका जब बन जाती है तब परमात्मा रूपी शिव की प्राप्ति होती है। अब शिव प्राप्त होंगे। महाराज सारी भूमिका बन चुकी है, अब आत्मा रूपी भवानी को ही प्रभु प्राप्त करो। भगवान शिव ने कहा जब आप सबों की ऐसी इच्छा है करो तैयारी। भगवान शिव की स्वीकृति मिली, चार ओर बाजे बजने लग गए, मंगल का पधावा बजने लगा,
दीप प्रज्वलित अपने आप होने लग गए। आत्मा और परमात्मा के मिलन की भूमिका कैसे बनती है देखिए कितना सुंदर। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दशम साजे, पुष्प की वृष्टि होने लग गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन की भूमिका क्या है? आत्मा जब परमात्मा से विशुद्ध होकर, निर्विकारी होकर, श्रद्धा वनत होकर, सुदृढ़ साधना में परिपक्व होकर जब गति करती है, तब विविध प्रकार की ज्योतियों की वर्षा होने लग जाती है। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, अनेकों प्रकार की ज्योतियों की वर्षा नव बाजन बाजे। और अनाहत धन्यात्मक नाद, अनहत धन्यात्मक नाद, बाजन बाजे, अनेकों प्रकार की ध्वनिया होने लग जाए, अनेकों प्रकार की ज्योतियां अंतःकरण में प्रकट होने लग जाएं, अनेकों प्रकार की ध्वनिया सुनाई देने लग जाएं, तब समझिए कि अब विवाह की तैयारी होगी, अब आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। आत्मा और परमात्मा का ऐसे मिलन नहीं हो जाता अंधकार में। बहुत सारी भूमिकाएं तैयार होने के बाद, निर्मल हृदय होने के बाद, विविध ज्योतियों का दर्शन, विविध नाद का श्रवण जब अभ्यासी करता है, तब विवाह की तैयारी। विवाह की तैयारी क्या है? विवाह को 16 संस्कार में से एक संस्कार बतलाया है। विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण, पानी कहते हैं हाथ को, जैसे पति अपने पत्नी के हाथ को ग्रहण कर लेता है, अपना बना लेता है, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी पति आत्मा रूपी पत्नी को अपना बना लेता, स्वीकार कर लेता, अपने में मिला लेता है, अपने समान बना लेता है। पार्वती और शिव का विवाह क्या? आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रसंग है। विविध प्रकार की ज्योतियों की वर्षा होने लग जाती है, उसमें भींगती है सूरत, अनेकों प्रकार की ध्वनियां होने लग जाती हैं, और तब पाणि ग्रहण संस्कार होता है, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। परमात्मा उस जीव को अपने में मिला लेते हैं। लगे समारण सकल सुर वाहन विविध विमान, हो शगुन मंगल सुबुद करहिं अक्षरागा। सब देवता लोग अपने अपने वाहन को सजाने लग गए, रथ को सजाने लग गए, चार ओर शगुन ही शगुन होने लग गए। आत्मा और परमात्मा के मिलन की घड़ी में दसों दिशाओं मंगल ही मंगल। सारे अमंगल जब जीव के मिट जाते हैं, तब उनका जीवन मंगलमय होने लग जाता है। और सबके सब आनंदित होने लगे, करें अक्षरा का, सबको प्रसन्नता होती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन जब तक नहीं हो जाते, तब तक तो मंगल मंगल माला पर जपते रहे, मंगल कभी नहीं होगा। जब यह आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तब जीव का अमंगल सदा के लिए दूर हो जाता है, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। हो ही शगुन मंगल सुभद कर ही अक्षरा जा। सब देवता अपने अपने वाहन को सजाने लग गए, रथ सजाने लग गए, सब देवता अपने आप को भी सजाने लग गए। जिस दिन विवाह की तैयारी होती है तो बारात चलती है, तो बारात भी अपने को सजा करके चलती है। जो बारात में जाते हैं सब सज सज करके जाते हैं।
आज शिव जी की बारात में सब देवता लोग जा रहे हैं, अपने को सजा रहे हैं, सबको पत्नी है, सबको बच्चे हैं, सबको दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, सबको सजाने वाले हैं, लेकिन शिव जी को ना तो माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न सगे हैं, न संबंधी हैं, अकेले कैलाश पर्वत पर रहने वाले उनको कौन सजाए। बड़ी विचित्र बात, बारात तो अच्छी तरह से सज रही है, वाहन उनके सजाए जा रहे हैं, लेकिन जिनकी शादी होगी उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये बड़ी विचित्र बारात भगवान शिव की है। इनका विवाह भी बड़ा विचित्र है कि बारात तो सज रही है लेकिन दूल्हा को सजाने वाला कोई नहीं। भगवान शिव ने सोचा जिनकी शादी उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं, कोई कपड़े डालने वाला नहीं, कोई सजाने वाला नहीं, और ये देखो हमें शादी करने के लिए तैयार कर लिया, हमें शादी के लिए मना लिया। मैं तो कभी चाहता ही नहीं था शादी करने के लिए, सभी देवताओं ने मिलकर हमको तैयार करा लिया, लेकिन मेरी कितनी बेइज्जती करा रहा है, हमें देखने के लिए कोई नहीं आता, दूल्हा की क्या तैयारी है, सब अपने अपने को सजा रहा है, अपने वाहनों को सजा सजा करके, अपने अपने वाहनों पर बैठ करके चल भी दिया। दूल्हा का कोई ठिकाना नहीं है कब जाएगा नहीं जाएगा, सब आगे आगे चल भी रहे हैं। भगवान शिव सोचते हैं अच्छा देवता जाओ, मैं भी अब समाधि में बैठ जाता हूँ, तुम आ जाओ, पहुंच जाओ, फिर पता चलेगा कि दूल्हा कहाँ गया। हम बैठते हैं समाधि में तो विष्णु भगवान ने, तुम लोग इतनी उपेक्षा कर रहे भगवान शिव की, वो यदि फिर समाधि में बैठ गए, वो जब आँख बंद करेंगे तो 87,000 से पहले तो खोले। इतनी लंबी समाधि भगवान शिव की लगती है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बारात पहुंच गए दूल्हा का ठिकाना ही नहीं, हंसी होगी। इसीलिए इनकी भी कोई व्यवस्था करो, कहीं इनकी क्या व्यवस्था, जीवन में कभी ना नहाते हैं ना धोते हैं कुछ नहीं, इनके पास जाकर हम क्या व्यवस्था करेंगे, इनको किस तरह से सजाया जाए, भगवान शिव को किस तरह से सजाया जाए, ये तो स्वयं सजे हुए हैं। परमात्मा को कौन सजा सकता है, परमात्मा ही सारी सृष्टि को सजाने वाले हैं। देवताओं का ज्ञान देखिए, इस प्रभु को कौन सजाएंगे, ये प्रभु ही तो सारी दुनिया को सजाते हैं, सृष्टि को सजाने वाले परमात्मा को कौन सजाएगा। सजाया तो उनको जाएगा जो सुंदर नहीं है, असुंदर को सुंदर बनाया जा सकता है, जो शाश्वत सुंदर है, परम सौंदर्य की मूर्ति है, उनको कौन सजाएगा, ये तो स्वयं सजे हुए हैं। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राज थे सबके परे शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे परमात्मा को कौन सजा सकता। श्रवण बिना ध्वनि सुनाए, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे, प्रशंसा बिन विस्तारे, नृत्य चरण बिन करे, हस्त बिन ताल बजावे, अंग बिना मिले संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवे जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्मा सो आत्मा परा भक्त सुंदर कहे, बिना आँख के ही सुंदर लगते हैं परमात्मा, बिना कान के ही, बिना नाक के ही, अंग प्रत्यंग वाले ये संसारी मनुष्य अपने को सजाते हैं परमात्मा में, और सुंदरता के कोई कारण ही नहीं, जो उनको सजाया जाए वो तो सजे हुए ही है। सुंदर दिशत सुंदर माहिस सुंदरता कह कौन वहाँ है, व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदिन अंत सुमध्य कहाँ है,
को परिमान करे परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है, कारण कारज भेद नहीं कछु, आप में आप है आप तहाँ है, सुंदर दिशत सुंदर माहिस सुंदरता कर कौन वहाँ है, उनकी सुंदरता की तुलना किस वस्तु से की जाए, सजाने की जरूरत है देवताओं हम लोगों को है, वो तो महादेव हैं, वो तो देवताओं के भी देवता हैं, ये तो परमात्मा है, वे कल्याण करने वाले हैं, उनको क्या चीज देकर के सजाया जाए। जिनको शरीर है वह ना अपने को सजाएगा, परमात्मा को तो कोई शरीर है ही नहीं, फिर उनको सजाया जाएगा कैसे। ओ शरीरं शरीरे स्वनवस्थे स्वावस्थितं महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरोन सोचती। जो शरीरों में शरीर रहित अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु के मुंह से छूट जाता है। ऐसे परमात्मा कैसे सजाया जाए, शरीर रहे तब तो सजाया जाए। जीव को शरीर है, जीव अज्ञान में है, इसको शरीर का बंधन है, इसीलिए जीव अपने शरीर को सजाता है। परमात्मा तो समग्र शरीरों के बंधनों से निर्मुक्त है, वे तो शरीर रहित हैं, उनको कैसे सजाया जाए। मलिनता के, दुर्गुणता के, निकृष्टता के समग्र कारण तो इस शरीर में है, परमात्मा को कोई शरीर है नहीं। शरीर रहेंगे तभी तो उसमें कान रहेगा, कान रहेगा तभी तो कान से गंदगी निकलेगी। शरीर है तभी तो नासिका है, नासिका है तभी तो नासिका से गंदगी निकलेगी। शरीर से ही तो गंदगी निकलती है, परमात्मा तो शरीर में रहते हैं, उनमें तो गंदगी का कोई कारण ही नहीं उन्हें सजाया जाए, ये तो सजे हुए ही है। जो अंधकार में पड़ा हुआ है उन्हें ना प्रकाशित करने के लिए कुछ प्रकाशमान वस्तु सिर में लगा दिया जाएगा, कान में लगा दिया जाएगा। परमात्मा तो सूरज को भी प्रकाश देने वाले हैं, चंद्रमा को भी प्रकाश देने वाले हैं, ये तो स्वयं प्रकाश हैं। समग्र प्रकाशमान पदार्थों को भी प्रकाशित करने वाले जो परमात्मा हैं, उनको किस वस्तु से सजाया जाए। देवताओं ने कहा परमात्मा को कैसे सजाया जाएगा, सजाने की जरूरत तो हमको है, हम उनके साथ चलेंगे, हम उनके विवाह में जाएंगे, सजाने की जरूरत हम लोगों को जिनके अंदर की अनेकों ऐब हैं, अनेकों दुर्विकार हैं। एक दिन मैंने सुनाया था सरमद को औरंगजेब के न्यायाधीश ने कहा आपको प्राण दंड दिया जाएगा। इस्लाम धर्म में नग्न होकर के रहने का आदेश नहीं है, आप इस्लाम धर्म के हो और कपड़े नहीं पहनते हो। सरमद ने कहा शरीर को ढकने की जरूरत, कपड़े की जरूरत तो उनके पास है जिनमें बहुत तरह के ऐब हैं, ऐबों को छिपाने के लिए ही तो कपड़े डाले जाते हैं, ऐबों को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत है। जो बेऐब हैं, ऐब से जो रहित हैं, उनको कपड़े लगाने की कोई जरूरत नहीं। जिस जीव के अंदर किसी भी प्रकार का ऐब नहीं है, परमात्मा की निगाह में वो हजारों मलमल के कपड़े से ढके हुए हैं, और जिनके अंदर सैकड़ों ऐब भरे हुए हैं, ऐबों से भरे हुए निकृष्ट प्राणी जो हैं, वे हजारों हजार मलमल के कपड़े से भी शरीर को ढक ले, फिर भी चौराहे पर नंगा खड़ा नजर आएगा परमात्मा के लिए। ऐबों को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, परमात्मा कोई ऐब नहीं, इसीलिए उनको सजाने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी भगवान शिव को गणों ने सजाने का प्रयास किया। देवता लोग तो स्वार्थी होते हैं,
इसीलिए स्वयं को सजा सजा करके चले हैं। और भगवान शिव तो परमार्थी हैं, वे तो दूसरे को सजे हुए देखना चाहते हैं। संत भगवंत परमार्थी होते, संत बड़े परमार्थी परमार्थी होते हैं, ये समाज को सजा हुआ देखना चाहते हैं। स्वार्थी लोग खुद को सजाना चाहते हैं, संत भगवंत समाज को सजाना चाहते, जीव को सजाना चाहते हैं। जब सब सज गए, भगवान शिव ने अपने भूतगणों को बुलाया कि आज ही हम ऐसे चलेंगे, विवाह हमारा और सज के जा रहे हैं देवता लोग। नहीं नहीं महाराज, हम भी आपको सजाएंगे कि ऐसे थोड़े जाने देंगे। यद्यपि आप नहीं चाहते हो मुझे सजाया जाए, आप तो परम सौंदर्य की मूर्ति हो, आपको कौन सजा सकता, लेकिन फिर भी हमारे स्वामी हो, हम तो आपको जरूर सजाएंगे, हम भी आपको सजा करके यहाँ से ले चलेंगे। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। अब शिव जी का श्रृंगार भूत गण करने लगे, भूत सजा रहे हैं भगवान शिव को, परमात्मा को। ये सगुण साकार उपासना है। देखते हैं मंदिरों में भगवान का विग्रह होता है, भक्त लोग पीताम्बर पहना देते हैं, तो तिलक लगा देते हैं, तो आभूषण पहना देते हैं, तो माला पहना देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बिलपत्र देते हैं। भगवान तो सजे हुए ही हैं, भक्त लोग सगुण साकार उपासना में भगवान को सजाते हैं। शिव ही संभुगण करे श्रृंगारा। शिव जी का आज श्रृंगार हो रहा है। आप देखिए शिव जी का श्रृंगार कैसा, परमात्मा का श्रृंगार कैसा होता है, प्रभु का श्रृंगार कैसा होता है। आज तक सृष्टि में ऐसा श्रृंगार किसी का हुआ ही नहीं। शिव जी का जो श्रृंगार हुआ है विवाह के लिए, आज तक ऐसा श्रृंगार हुआ ही नहीं, दुनिया में ऐसा दूल्हा कोई बना ही नहीं। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। भूतों ने प्रेतों ने क्या किया, जटा के मुकुट बना दी। मुकुट कहाँ से लाएंगे, कैलाश पर्वत पर बर्फ ही बर्फ है, कोई बाजार नहीं, कोई दुकान नहीं, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाए। भूत प्रेत का अर्थ कई बार मैं सुना चुका हूं, भूत प्राणी पंच तत्व निर्मित शरीर ही भूत है, और जो इस शरीर संसार से परे चला गया है वही प्रेत है। तो कुछ शरीर ज्ञान में रहने वाला, कुछ शरीर ज्ञान से परे रहने वाला, ऐसे दोनों तरह के जो भक्त हैं वही शिव जी के गण हैं, परमात्मा के गण हैं। शरीर ज्ञान में रहने वाले कुछ भक्त हैं, कुछ शरीर ज्ञान से निर्लिप्त रहने वाले प्रभु के भक्त हैं, ये ही भगवान को सजाते हैं। जटा मुकुट भगवान का श्रृंगार, ईश्वर का श्रृंगार। जटा मुकुट, जटा क्या है, प्रपंच का प्रतीक है, जंजाल का प्रतीक है। हम लोग कहते हैं महाराज क्या जाए कथा में, क्या जाए सत्संग में, दुनिया भर के जंजाल ये निबटता ही नहीं कभी, जितना सोचता हूँ कम हो उतना ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन परमात्मा कैसे हैं, सारी सृष्टि को सजाने वाले, हम ये घर को भी नहीं सजा पाते हैं, दो चार पांच के साथ रहते हैं, फिर भी कहते महाराज क्या जाऊं कथा में, कैसे भजन करूं, बड़ा भारी जंजाल, लड़के बेंगलोर पढ़ने को गए हुए हैं, लड़की शादी के लिए है, वो ऐसा घर अब तक नहीं बना, चार पांच को भी जंजाल मान करके इस संसारी विषयी लोगों के प्रपंच रूपी जटा बिखरे हुए रहते हैं। इन परमात्मा सारी सृष्टि का सर्जन करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, फिर भी प्रपंच रूपी जटा को केंद्रित करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं, अपने बस में करके रखते हैं। जटा मुकुट, जटा को बांध लिया,
जटा तो ऐसे फैली हुई रहती है, मुकुट बना लिया। बड़े बड़े महात्मा लोगों को आप देखेंगे जटाओं को समेट कर माथे पर पगड़ी की तरह बांध लेते हैं, जटा मुकुट। अर्थात प्रपंच को उन्होंने फैलाया नहीं, प्रपंच को अपने बस में कर लिया। परमात्मा किस तरह से सजे हुए हैं, समग्र प्रपंच को अपने बस में करके मुकुट बना लिए। अही मौरु संहारा, उस जटा के मुकुट पर भूत गणों ने सांप का मोर पंख लगा दिया, सांप को बिठा दिया। सांप ही श्रृंगार है, भगवान का श्रृंगार सांप। जटा को बांधते हैं, ऋषि मुनि महात्मा लोग जटाओं को कोई रस्सी से बांध देते हैं। भगवान शिव की जटाओं को किस रस्सी से बांधा? अही सांप से बांधा। ये सांप क्या है? तो काल का प्रतीक है, काल को अपने बस में किए हुए रहते हैं परमात्मा। बिना वस्त्र के ही, बिना आभूषण के ही हम सज जाएंगे जिस दिन सारे प्रपंच को अपने बस में कर लेंगे, जिस दिन महाप्रलयकारी काल को अपने बस में कर लेंगे। अही और समारा, अर्थात काल को भी अपने बस में किए हुए, काल को बांध लिया। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, सांप ही सांप आभूषण है, सांप का ही कुंडल, सांप का ही कंकन, सब जगह सांप ही सांप। अर्थात काल को अपने वश में कर लिया, समूह के समूह काल भी जिनके वश में हो, उसी को तो शिव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तन विभूत पटके हरि छाला, अब कैलाश पर्वत पर कहां से पाउडर आए? तन विभूत, भूत गणों ने भगवान शिव के सर्वांग में भभूत लगा दिया, चिताभस्म लगा दिया। विभूति क्या है? त्याग का प्रतीक है। परमात्मा सब में व्यापक होते हुए भी सबसे निर्लिप्त है, त्याग रूपी विभूति को लगाया भगवान शिव के अंग में। पट के हरी छाला, अब कपड़े क्या पहनाएंगे? के हरी छाला, के हरी कहते हैं सिंह को, शार्दूल को, बाघंबर, सिंह का चरण पहना दिया। सिंह का चरण क्या है? तमोगुण को अपने वश में कर लिया। सिंह जो है खाने वाला जानवर है, सबको समाप्त कर देने वाला है, तो तमोगुण में ही दूसरे के संहार करने का, दूसरे को मिटाने का प्रभाव रहता है। तमोगुण के प्रभाव के ही कारण आदमी दूसरे के वैभव को, दूसरे की उन्नति उत्थान को देख नहीं सकता। के हरिपट जो है तमोगुण को, तमोगुण के प्रभाव को उन्होंने समाप्त कर दिया, जिनके ऊपर दूषित गुणों का प्रभाव नहीं होता उसी को शिव कहते हैं। दुर्गुण, कोई भी मलिन गुण जिसके अंतःकरण को प्रभावित नहीं कर सके वही है शिव। समग्र सद्गुणों के पट उनके अंग में लगा दिए गए। शशि ललाट द्वितीय चंद्र को मस्तक पर रख दिया,
जो सदैव प्रकाशमान हम उसी को शिव कहते हैं, अंधकार में रहने वाले को जीव कहते हैं, सदैव अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले को शिव कहते हैं। सिर गंगा, सिर पर गंगा प्रवाहित हो रही है, सिर पर गंगा चैतन्यता का प्रतीक। जीव सदैव जड़ता को प्राप्त होता है, जड़ बना हुआ रहता है और परमात्मा सदैव चैतन्य होकर रहते हैं। जो सदैव चैतन्यता को प्राप्त किए हुए होते हैं वे शिव कहलाते हैं, जो सदैव जड़ता को प्राप्त रहते हैं वही जीव कहलाते हैं। यह गंगा क्या संकेत करता है? सदैव चैतन्य रहना। गंगा निर्मलता का प्रतीक है, जो सदैव वासना की मलिनता से उद्भूत रहता है वह तो जीव है, और जो सदैव निर्मल रहता है वही शिव है। इनके सिर पर गंगा है। गंगा निर्मलता का प्रतीक, गंगा शुद्धता का प्रतीक, गंगा चैतन्यता का प्रतीक। तो सदैव निर्मल चैतन्य शुद्ध पवित्र होकर के रहे वही शिव है, जो इनके विपरीत है वही जीव है। तो सिर पर गंगा को विराजित किया गया। नयन तीन, भगवान शिव के तीन नेत्र हैं, एक ज्ञान का नेत्र है, दूसरा वैराग्य का नेत्र है, तीसरी भक्ति का नेत्र है। इनके ज्ञान वैराग्य भक्ति के तीनों नेत्र सदैव खुले रहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। जिनको ज्ञान वैराग्य भक्ति के नेत्र बंद हैं वही जीव कहलाते हैं। त्रिनेत्र है भगवान शिव को। उपवीत भुजंगा, अब जाने वो क्या पहनाएंगे, तो सांप को लपेट दिया तीन बार। सदैव सांप का प्रसंग आता है, सदैव काल को अपने वश में किए हुए होते हैं। काल को जिन्होंने अपना आभूषण बनाया, अर्थात काल को अपने वश में किए हुए होते हैं। किसी भी समय, किसी भी घड़ी में, किसी भी स्थान पर जिसे काल प्रभावित नहीं कर सके उसी को शिव कहते हैं। जो देश काल से सदैव प्रभावित होते रहते हैं उसी को जीव कहते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव को सजाया जा रहा है। गरल कंठ उर नर सिर माला, गले में विष का प्रभाव, नील कंठ, इनके कंठ नीले, गले में भी सांप को लपेट दिया जहरीला सांप। उर नर सिर माला, गले में माला क्या पहनाएंगे, उर नर सिर माला, नर मुंड माला पहने हुए। एक बार नारद जी घूमते घामते हुए बैकुंठ गए। लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा, महाराज काल से अभी आ रहे हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हुए आ रहे हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हुए आ रहे हैं, कहो समाचार वहां का, कैसे लोग रहते हैं? महाराज किसी में प्रेम नहीं, संसार के लोगों में किसी भी प्रकार से प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, पुत्र पिता में प्रेम नहीं, मित्र मित्र में भी आंतरिक प्रेम नहीं, साधु महात्मा में भी आपस में प्रेम नहीं, कहीं भी प्रेम नहीं रह गया संसार में, कहीं मैंने प्रेम का दर्शन नहीं किया, किसी में प्रेम नहीं। कहा दुनिया में आपस में प्रेम किसी में नहीं है, बस एक ही आदमी में आपसी प्रेम है, बाकी किसी में प्रेम नहीं। तो वह कौन है? वे हैं भगवान शिव और पार्वती, दोनों में आपस में बड़ा प्रेम, कभी खटपट होता ही नहीं।
खटपट के कारण जितने होते हैं वे उनके पास कुछ है ही नहीं, कैलाश में रहते हैं, वट वृक्ष की छाया में रहते हैं, कोई प्रपंच है ही नहीं उनके पास। खटपट के जितने कारण होते हैं वे शिव पार्वती के साथ है नहीं, इसीलिए दोनों मजे में रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, महाराज आप तो आपस में लड़ाई लगाने में बड़े चतुर हो, तो क्या शिव पार्वती के प्रेम को तोड़ सकते हो आप? मैं चाहूं तो दोनों में भेद पैदा कर दू, मैं क्या नहीं करा सकता हूं? जब दुनिया में किसी में प्रेम है नहीं तो उसी में काहे के लिए रहे, उनमें भी भेद पैदा करो। ठीक है जा रहा हूं। भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे, पार्वती जी अकेली बाहर में आंगन की सफाई कर रही है। पार्वती जी ने कहा, कहो नारद जी कैसा है, कहां से आया? तो दुनिया का चक्कर लगा कर क्या रहा, क्या समाचार संसार का? बहुत बुरा, किसी में आपस में प्रेम किसी में नहीं, सब परेशान है, सब आपस में दुखी है। क्या कहते हो, किसी में प्रेम नहीं? भले किसी में नहीं, हमें तो दोनों में बहुत प्रेम है। आप भागवत की कथा सुनेंगे, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा है, यदि दाम्पत्य जीवन सुखमय जीना चाहते हो तो शिव और पार्वती की उपासना करें, कभी भी लड़ाई नहीं होगी। हम दोनों में बड़ा प्रेम है, देख लिया तुम दोनों का प्रेम, कुछ भी प्रेम नहीं है दोनों में, कुछ भी प्रेम नहीं बिल्कुल नहीं। कितना छल खपट शिव जी तुम्हारे साथ किए हैं, तुम तो सीधी साधी हो इसीलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता। मेरे से कभी कोई छिपाव नहीं करते, कोई छल नहीं करते, तुम कह रहे थे वे छल खपट करते हैं। हाँ, उनसे ज्यादा छलिया कोई नहीं, तुम्हारे साथ कितना भारी छल, गुप्त बात कभी बतलाया नहीं, इधर उधर का कोई सुना देता उसी में तो खुश हो जाती। मेरे साथ तो आज तक कोई छल उन्होंने किया ही नहीं, बड़ा भारी छल किया है। क्या छल? भगवान शिव जो नरमुंड माला पहने हुए रहते हैं, तो आज तक तुमको बतलाया ये किस आदमी का मुंड है, किस किस आदमी का मुंड लगा रखा है, या बतलाया आज तक? सब कुछ तो बतला दिया। ओ महाराज सही आप कहते हो, यह तो नहीं बताया किस किस आदमी का मुंड पहन रखा है, यह आप तक नहीं बताया, पूछ लेना। नारद जी वहां से जब उठकर चले, तब तक शिव जी की समाधि खुल गई। शिव जी को प्रणाम किया, कहां से आ रहे महाराज? जाओगे तो पता चलेगा कहां से आ रहा हो, कुछ करके तो नहीं आ रहे हो, जाओ तो सही, मैं तो जा रहा हूँ। बड़ी तेजी से नारद जी निकल गए। शिव जी के मन में हो गया, जरूर ये छलिया कुछ ना कुछ किया होगा। जब आए अपनी कुटिया में, पार्वती जी बोलती नहीं, क्या हो गया? आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था, दोनों का परम पावन दाम्पत्य जीवन की प्रशंसा तो समस्त शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन आज क्या करके नारद चला गया? दुनिया में नारद की कोई कमी नहीं, क्या करके चला गया पता नहीं। पार्वती जी तो बोलते नहीं, अरे देवी क्यों नहीं बोलती, क्या हो गया तुमको, क्या मैंने कहा, क्या छिपाया? आप तुमसे बोलना ही नहीं, मेरे साथ इतना छल कपट, अब तक तो मुझे पता ही नहीं चला था कि आपके अंदर भी ऐसी भावना है, इतना छिपा। भगवान शिव ने कहा, आज तक तो मैंने कुछ छिपाया है, क्या मेरे पास छिपाने लायक है? कहा, यह जो नरमुंड माला पहने हुए हैं, किस किस आदमी का वह मुंड है आपने आज तक बतलाया? शिव जी ने कहा, तुम जो बातें पूछती हो सो बतला देता हूँ, लेकिन आज तक तूने कभी पूछी है कि मुंड किसके हैं?
कभी पूछी है? नहीं पूछी तो इससे क्या हो गया? गुरु तत्व न साधु दुरा वही आरद अधिकारी धपा वही, कुछ बातें तो बिना पूछे ही बतलाया करो। किसके मुंडन पहने हुए हो? देवी तुम क्या समझती हो कि मेरे से भगवान शिव का प्रेम नहीं है? छिपाव रखते हैं भवानी, तुमसे मेरा इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि हर जन्म में तुम्हारे साथ ही मैं विवाह करता हूँ। जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुम्हारे शरीर का भाव मुंड में माला बना करके धारण कर लेता हूँ। जब जब तुम्हारा शरीर छूटा है तब तब मैं तुम्हारे सिर का मुंड बनाकर माला बनाकर पहनता हूँ। इतना प्यार तुमसे हमारा है, अब तू गाल फुला करके बैठी हुई हो, कितना प्रेम है तुमसे, देख लो कितनी बार तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है। अब भी वे मुंड माला प्रमाण के रूप में है, अर्थात भगवान शिव इस जीव को सदैव अपने से चिपकाए रहते हैं। ये जीव भले उस जीव के प्यार को भूल जाए, प्रेम को भूल जाए, लेकिन परमात्मा इस जीव को कभी भूल नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव दिखला रहे हैं, देखो तुमसे हमारा कितना प्यार, सदैव मैं तुमको चिपकाए रहता हूँ। परमात्मा सदैव इस जीव को अपने हृदय से चिपकाए रहते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य जीव सदैव विषयों से चिपके रहते हैं, उस प्रभु के प्रेम प्यार को भूल जाते हैं। अहो तब तो और गड़बड़ बात है, प्यार तो बहुत करते हो, प्रेम बहुत करते हो, सदैव हृदय से चिपकाए रहते हो, लेकिन आप तो कभी मरते नहीं, मैं बार बार मरती हूं। कौन सी दवा खा रखे हो? तुम कभी नहीं मरते, मैं बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ी हुई। बड़े कपटी हो, अपना संजीवनी जड़ी गोल करके पी रखे हो, अपना कभी मरते नहीं, हम सदा जन्म लेते सदा मरते। भगवान शिव ने कहा ये कौन सी आफत खड़ी हो गई, क्या तब शिखला खंड नारद जी चला गया, ये तो सुनने को तैयार है। भगवान शिव ने कहा मैं अमर हूं, मैंने अमृत को प्राप्त कर लिया है, तू अमृत को प्राप्त नहीं की हो, इसीलिए जन्मती रहती हो मरती रहती हो। आप अमृत को प्राप्त हो गए हो? कहा मुझे भी प्राप्त करा दो। सुनो अमृत की प्राप्ति कैसे होती है, कैलाश पीठ पर आसीन होकर भगवान शिव ने जो पार्वती जी को अमर होने की कथा सुनाई है उसी कथा को अमर कथा कहते हैं। समग्र संसार के प्राणियों को परमात्मा हृदय से जो चिपकाए रहते हैं वही नरमुंड माला है। ऐसा आभूषण कोई आज तक पहने होंगे, गरल कंठ गुड़ नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बाहरी आकृति तो भूत कणों ने और कल्याणमय बना दिया, सांप पे आभूषण हो सकता है, चिता भस्म पे आभूषण है, गले में सांप, जटा के मुकुट, मृग छाला, ये कोई सुंदर आभूषण है, सुंदर वस्त्र है, अच्छी सजावट है। वेश तो बाहर से देखने में अशिव है, लेकिन शिव धाम कृपाला, बड़े कल्याणकारी देवता भगवान शिव हैं, बड़े कृपालु हैं। बाहर से तो भेष बना रखे हैं मंगलमय, लेकिन अंदर से बड़े मंगलमय है। बाहर से यह शरीर बड़ा अमंगलमय है, हड्डी का बना हुआ है, मांस का बना हुआ है, रुधिर का बना हुआ है, इसमें क्या क्या निकृष्ट पदार्थ हैं,
बाहर से तो यह शरीर बड़ा मंगलमय है, लेकिन भीतर से में जो रहने वाला है वह परम मंगलमय है। यह शरीर तो बाहर से अमंगलमय है, देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। जा शरीर माहि तू अनेक सुख मान रहो, ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारिसी में ठौर ठौर मली है। हाड़न के मुह बन्यो हारण के नयन नाक, हाथ पांव सौ सब हाड़न की नली है। सुंदर विचार याही देख जने भोले को, भीतर भंगार भरी केवल ऊपर से कली है। हड्डी मांस का पुतला ये बाहर से तो बड़ा मलिन है, अमंगलमय है, लेकिन इसके भीतर में रहने वाले जो परमात्मा है वे परम मंगलमय है। अशिव वेश, बड़ा अमंगलमय वेश, लेकिन शिव धाम के पाला इस शरीर के अंदर रहने वाले जो परमात्मा है अत्यंत कृपालु हैं, परम कल्याण करने वाले हैं। कर त्रिशूल, शिव जी के हाथ में भूत गणों ने त्रिशूल दे दिया। लो महाराज त्रिशूल, आज तक किसी दूल्हा के हाथ में त्रिशूल देखे होंगे? शिव जी के हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? तीन ही तो शूल होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। तीनों शूल से जीव के तीनों तापों को दूर करते रहते हैं। परमात्मा तीनों शूलों को हरण करने वाले हैं, तीनों शूलों को अपने वश में किए हुए हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये त्रिताप जिसे संतप्त नहीं कर सकते वही शिव हैं। जो सदैव इन तीनों तापों से संतप्त होते रहते हैं वही जीव हैं। हाथ में भगवान को त्रिशूल है, अर्थात त्रिताप रहित हैं, तीनों तापों को अपने वश में किए हुए हैं। और डमरू भी राजा है, और उसमें डमरू अर्थात डमरू क्या है? वह शब्द का प्रतीक है। तीनों तापों को वही मिटा सकता है, तीनों तापों को मिटाने की शक्ति उसी में होती है जो सदैव अनाहत ध्वन्यात्मक नाद को सुनते रहता है। अनाहत ध्वन्यात्मक नाद के श्रवण से ये तीनों ताप शांत होते हैं। और डमरू विराजा चले बसा चढ़े बाजही बाजा। अब सवारी क्या? सब देवता किसी के तो मोर वाहन है, किसी के हंस वाहन है, किसी के गरुड़ वाहन है, लेकिन भगवान शिव किस वाहन पर बैठे हैं? भगवान शिव के तो बड़े विचित्र वाहन है, वो बसहा है, नंदी है। वृषभ पर भगवान शिव आरूढ़ हो गए। ये बसहा क्या है, वृषभ क्या है? आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रतिदिन सुन रहे हैं, प्रसंग आएगा। वृषभ और गाय का संवाद जो हुआ है, वृषभ क्या है? धर्म का स्वरूप है, धर्म के चार चरण है, सत्य, दया, दान और पवित्रता। सत्य, दया, दान और पवित्रता से संयुक्त धर्म जिनके अंदर विद्यमान हो वही भगवान शिव है। शिव के ऊपर भगवान विराजमान है, अर्थात धर्म के शिरोमणि है, धर्म को धारण किए हुए बसहा के ऊपर जो बैठे हुए हैं, नंदी के ऊपर जो बैठे हुए हैं। ये नंदी क्या है, बसहा क्या है, वृषभ क्या है? वह धर्म का स्वरूप है, उसके ऊपर विराजमान है परमात्मा। धर्म को सदैव धारण किए हुए रहते हैं, धर्म के ऊपर आरूढ़ रहते हैं, धर्म का कभी त्याग नहीं करते,
जो सदैव धर्ममय बने रहते हैं, धर्म से ओतप्रोत रहते हैं, जो धर्म का कभी त्याग नहीं करते, जिनका स्वरूप ही धर्म है, जो सदैव धारण करने योग्य कर्मों को करते हैं, यही परमात्मा है, शिव के वाहन है नंदी बसा। भगवान से चलो, ताका मोह जिधर होता है उधर ही मोह करके बैठते हैं, भगवान से जिधर पूछे उधर बैठ गए। मानस में देवताओं ने देख लिया भगवान शिव का मोह जिधर होता है उधर ही मोह करके बैठते हैं, भगवान से जिधर पूछे उधर बैठ गए। ऐसे लोगों को मुंहहीन बतलाया, को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी को बहुत मुख है, अर्थात परम कल्याण को पाना चाहते हैं तो हाथ गंधर्व लोक के देवता एक साथ मिलकर के चलो, जन लोक के देवता, तप लोक के देवता के, हिमबान के घर गए, उठा बस आका मोह इधर और भगवान शिव का मोह इधर, को भगा देगा हिमाचल दरवाजे पर से, ऐसे दुल्हा के को लेकर के हमारी पुत्री को ब्याह निकले आए, भागो यहाँ से, सबको भगा देंगे। इसलिए हम लोग तो देखने में बड़े सुंदर है, भगवान शिव की बारात में बिना हाथ के बहुत है, अर्थात परमात्मा की सृष्टि में बहुत जीव ऐसे हैं जो मनुष्य का शरीर तो प्राप्त किया लेकिन कभी हाथ से माता पिता की सेवा नहीं, गुरुजनों की सेवा नहीं, दीन दुखियों की सेवा नहीं, कल्याणकारी कर्म नहीं किया, हाथ से कभी सेवा नहीं किया, दान नहीं किया। गोस्वामी लक्ष्मीपति जी महाराज के शब्दों में, करते दान कियो नहीं कबहूं, सो कर काठ करे रे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन्मे काहे कोरे, वंश कुठार भयो सोई पामर, घर भई काहे न मरे रे, जो मुह राम नाम नहीं आवत, सो मुख राख भरे रे, सुनतन कथा कबहु माधव के, सुंदर सुयस भरे रे, लक्ष्मी पति अहि भवन बखानत, नाहक भार धरे रे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन्मे काहे कोरे। पंजाब में एक भगत के घर में गया हुआ था, लगभग 75 साल की उम्र होगी, भोजन के लिए बुलाया था, लड़के बच्चे भोजन परोस रहे थे, वो बुढ़ा भी आया भोजन परोसने, हाथ इतना कांप रहा था, ऐसे रोटी डालना चाहता था थाली में तो गिर जाए नीचे। महाराज यही एक बड़ी बीमारी बुढ़ापे में आ गई, हाथ बहुत कांपता है, मैंने कहा दान करने में भी बहुत कांपता होगा, दान करने में जिनका हाथ कांपता है, समाज की सेवा करने में, दीन दुखियों की सेवा करने में, माता पिता गुरुजनों की सेवा करने में जिनका हाथ कांपता है, उसका बुढ़ापे में हाथ इसी तरह से कांपेगा, कहीं की रोटी कहीं चली जाएगी। हाथ को मजबूत करना चाहते हैं तो दान करें, माता पिता को सेवा करें। और किसी को बहुत हाथ है, किसी को हाथ रखते हुए भी हाथ नहीं, हाथ नहीं है ऐसा भी हो सकता है, हाथ का नहीं होना अर्थात इस हाथ का सदुपयोग नहीं करना, जो जो मैंने कहा वह सब कर्म नहीं करना, हाथ रहते हुए भी हाथ का नहीं होना है। अब किसी को बहुत हाथ है, दो हाथ से ही इतने सत्कर्म करते, इतनी सेवा करते, इतने दान पुण्य करते, इतने समाज के लिए परोपकार करते, दो हाथ भी उनके लिए अनंत हाथ के समान काम कर रहे हैं। किसी को पैर है ही नहीं, किसी को बहुत पैर है, पैर किसको नहीं है, चरण राम तीरथ चले जाए,
राम बसव तिनके मन माही। जिनका चरण राम तीर्थ में चला जाता, हे राम जिनके चरण पवित्र स्थान पर चल कर जाते हैं, जहाँ जाने से उद्धार होता है, उस स्थान पर जो चरण शरीर को लेकर पहुंचा देते हैं, दो चरण ही उनके लिए अनंत चरण के समान है। संत और शास्त्र जिस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, उस मार्ग पर यदि इस चरण से चलते हैं, फिर तो दो चरण ही आपके लिए अनंत चरण के बराबर, और इस चरण को पाकर लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, चरण पाए कीनो नहीं तीरथ, पर हित ना ही शरीरे नासा श्वास लेत निशिवासर, नाहक भाथ बरे रे जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन में काहे गोरे, चरण पाए कीनो नहीं तीरथ। इस चरण को प्राप्त करके भी पवित्र तीर्थ में नहीं जा पाए, कथा सुनने के लिए नहीं आ पाए, साधु संत महात्माओं के दर्शन करने को नहीं जा पाए, चरण रखते हुए भी आप लंगड़े हैं, हाथ के रहते हुए भी आप लूले हैं, और इस बारात की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, विपुल नयन को नयन विहीना, दृष्टि सतांग दर्शनेस्तु भवत तनुना। जिन्होंने इस नेत्र से इस आंख से संत महापुरुष का दर्शन नहीं किया, दूसरे के अंदर के सद्गुणों को नहीं देखा, वह आंख के रहते हुए भी अंधा है, और जिन्होंने इस नेत्र से संत का दर्शन किया, जिस नेत्र से अनंत को प्राप्त किए भी संत का दर्शन होता है, वह दो नेत्र भी अनंत नेत्र के बराबर है। किसी को शिव जी के बरात में नेत्र है ही नहीं, अर्थात परमात्मा की सृष्टि में कुछ लोग तो आंख के रहते हुए भी अंधे हैं, आंख से जिस रूप को देखना चाहिए उस रूप को देखा नहीं, आंख के रहते अंधे, और किसी को बहुत आंख, दो ही आंख से दूसरे के सद्गुणों को देखते हैं और साधु संत महापुरुषों का दर्शन करते हैं। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई बहुत मोटे ताजे हैं, कोई बहुत दुर्बल है। मोटे ताजे कौन है, दुर्बल कौन है, जो अपने लिए ही जीते हैं, जो अपने लिए ही मरते हैं, जो अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, वे पेटू हृष्ट पुष्ट है, इनका जीवन ही अपने लिए भार स्वरूप है। तनु खीना, जो धन का उपयोग उपभोग नहीं करते, वे तन के रहते हुए भी धन के रहते हुए भी क्षीण है, जो इस शरीर से समाज की सेवा नहीं करते, जिनका शरीर परमार्थ में नहीं लगता, वो तन के रहते हुए भी तन से हीन है, क्षीण तन वाला है, जो अपने ही पेट के लिए जी रहा है, वह पेटू हट्टा कट्टा है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब संद सोनि तन भरे, खर श्वान सुवर श्रृगाल मुख गण वेश अग्नित को बने, बहुजिनस प्रेत पिशाच योग जमात वर्ण नहीं बने। परम योगेश्वर भगवान शिव की बारात का वर्णन नहीं हो सकता, किसी का मुख गधा के समान है, शरीर तो मनुष्य का, लेकिन उनकी कर्म ने उसे गधा बना दिया, दिन रात विषयों के बोझ को लादे रहते हैं, जो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी गधा के समान है, जो हाड़ मांस में शरीर में ही आसक्त रहते हैं,
हड्डी और मांस में आसक्ति किसकी होती है? कुत्ते की। हड्डी और मांस में आसक्त रहने वाले जो जीव हैं वे ही कुत्ता के समान हैं और विषय रूपी विष्ठा को दिन रात भक्षण करने वाले जो जीव हैं वही सुअर के समान हैं। दिन रात धन के लिए हाय 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 करने वाले ही सियार के समान हैं। इस प्रकार से परमात्मा की सृष्टि में अनेकों प्रकार के प्राणी हैं। यही शिव जी की बारात है। बारात पहुंच गई हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले समाज के बड़े बूढ़े लोग बारात की अगवानी के लिए आए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कौतूहलवश बारात देखने को आए। भगवान शिव की उस आकृति को देख करके सब भागे। छोटे छोटे बच्चे जी जान लेकर के भागकर घर घुस गए। बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। माता पिता पूछते क्या बात है, इतने भयभीत क्यों हो, क्या हो गया तुमको, कैसी बारात है, दूल्हा देखने में कैसा है। माता पिता जो इस प्रकार से बच्चे से पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जो जीवित रहेगा वही तो दूल्हा को देखेगा। सबसे बड़ी बात जो जिंदा रहेगा उस दूल्हा को देखकर वही तो पार्वती जी का विवाह देखेगा। हमें तो विश्वास नहीं उसे देख लेने के बाद वो जीवित भी रह सकता है। बच्चे की बातों को सुन सुन करके तो पूरे नगर में खलबली मच गई। कैसा दूल्हा आ रहा है कि एक भी बच्चे बाहर नजर नहीं आते। ऐसे तो दूल्हा को देखने के लिए, बारात को देखने के लिए बच्चे इस कदर दौड़ लगाते हैं इसका ठिकाना नहीं। लेकिन कैसा दूल्हा है कि सारे बच्चे घर घुस गए। उस बारात को, उस दूल्हा को देख नहीं पाए, सारे बच्चे घर घुस गए, जा नहीं पाए। इतना अच्छा संकेत है। चौदह इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंदर की इंद्रियां हैं। हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग पांच कर्म की इंद्रियां हैं। अब पांच ज्ञान की इंद्रियां आंख कान मन जिह्वा और त्वचा, यही छोटे छोटे बच्चे हैं। ये परमात्मा के स्वरूप को देख नहीं सकते, ये तो जड़ शरीर में ही छिप कर रह जाते हैं। ये परमात्मा की शरण में जा ही नहीं सकते। लेकिन लिखा हुआ है कि कुछ बड़े बूढ़े लोग वहां डटे रहे जिनको ज्ञान था, अर्थात चेतन आत्मा ही उस स्वरूप में डटा रहता है, वही उस स्वरूप को देख सकता है। इंद्रिय रूपी बच्चे जो हैं जहां तहां जड़ शरीर में छिप जाते हैं, वो देख ही नहीं पाते। आत्मा और परमात्मा के मिलन के आनंद को ये अज्ञानी इंद्री देख ही नहीं पाते। इनको कहाँ ताकत, ये जड़ इंद्रियों में कहाँ ताकत जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद प्राप्त कर सके। जहाँ तहाँ जड़ शरीरों में ही आबद्ध होकर के रह जाते हैं। मैना चली है भगवान परिछन करने के लिए, आरती करने के लिए। सोने की थाल में आरती सजाकर मैना भगवान शिव की आरती उतारने को चली है। भगवान शिव के परम सौंदर्य को देख मैना के हाथ की थाली नीचे गिर गई। जैसे ही मैना आके गई है और भगवान शिव के गले पर जो विचित्र विचित्र नाग हैं, मैना की तरफ ऐसे फुंकार मारते हैं, बस थाली नीचे गिर गई। मैना मूर्छित होकर के नीचे गिर गई, होश ही नहीं रहा। बड़ी विचित्र बात। अब आरती करे कौन, आरती करने वाली तो मूर्छित हो गई, थाल नीचे गिर गई। भगवान कितना अच्छा संकेत करते हैं। सांप ने फुंकार मारता,
संकेत है। भगवान शिव कहते हैं, अरे पगली, तू क्या मेरी आरती उतारने को आई हो, जिनके सिर पर ही परम ज्योति के स्वरूप चंद्रमा विराजते हैं, उनको छोटी सी फुनगी वाली दीपक दिखलाने के लिए आई हो। जाए यहाँ से, इस परम चैतन्यता की मूर्ति को प्रकाशित करने के लिए तू आई हो। जो समग्र संसार को प्रकाशित करने वाले हैं, उनको ही अज्ञानी जीव तू प्रकाशित करना चाहते हो, जा। अर्थात उस परम प्रकाशमान दिव्य स्वरूप को देखने की ताकत इस जीव में तुरंत नहीं हो जाती, बहुत अभ्यास करने पर होती है। मैना मूर्छित होकर गिर गई। इसका एक संकेत यह भी है, मैना इसीलिए मूर्छित हो गई है, मैं तो चली थी इस दुल्हा को आरती उतारने के लिए, मैं क्या आरती उतारूं इनकी, इनके सिर पर ही चंद्रमा विराजमान है, इनकी आरती में क्या उतार सकती। जो दिव्य सद्गुणों से, दिव्य प्रकाशों से तीनों लोकों को उद्भासित कर रहे हैं, उनको मैं तुच्छ प्रकाश से क्या प्रकाशित करूं। उनके भगवान शिव की उस दिव्यता को देखकर, उस परम प्रचंड तेज को देखकर मैना से रहा नहीं गया, मैना मूर्छित होकर गिर गई है। तो महान दिव्य परमात्मा की आरती हम क्या उतार हैं, इनकी दिव्यता की तुलना में हम तो कुछ भी नहीं है। सूरज को दीपक दिखलाना, बहुत सारी सखियों ने मैना को उठाया है। रामायण में प्रसंग आता है कि मैना जब लौट कर घर आई है, अपने पति से कहती हैं, मैं पार्वती का विवाह शिव से नहीं करूंगी। कहां यह पार्वती, कहां शिव, मैं समुद्र में कूद करके मर जाऊंगी, पहाड़ पर से गिरकर प्राण त्याग कर दूंगी, लेकिन जीते जी पार्वती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगी। संकेत यह भी है, कहां तो परमात्मा शिव, कहां हमारी पुत्री, इन दोनों में कभी तुलना हो ही नहीं सकती है। जीव की ईश समान जीव क्या ईश्वर की तुलना कर सकता है, कैसे विवाह होगा। उस समय नारद जी आए हैं, नारद जी के साथ सप्त ऋषि भी हैं। नारद जी ने कहा, मैना क्या बात है, क्यों नहीं पार्वती का विवाह शिव के साथ करना चाहती, यथा बतलाई, हमारी पुत्री देखने में परम सुंदरी, शिव जी के भेष देखते हो, कैसे हम इनके साथ विवाह करेंगे। नारद जी ने ज्ञान दिया है, मैना तुम इस पार्वती को अपना पुत्री समझ रही हो, यह तो आद्या शक्ति भवानी जगदम्बा है, जगत की माता पिता है, जगत की जो माता पिता उसको तो अपना पुत्री समझ रखी हो, यह तो जन्म जन्म में भगवान शिव के साथ रहने वाली है, शिव जी की अर्धांगिनी है, सदा शिव को ही प्राप्त है, यह तो एक लीला हो रही है विवाह की। या आत्मा परमात्मा तो तत्व रूप में एक ही है, सदा साथ रहने वाली है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा, कहो हनुमान मेरे में और तुझ में क्या अंतर है। हनुमान जी ने कहा, देह बुद्धि से यदि देखा जाए आप स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। जी बुद्धि से देखा जाए तो हम दोनों मित्र हैं, शरीर रूपी वृक्ष पर सृष्टि का आदिकाल से दोनों रहते हैं, आप परमात्मा में आत्मा, तत्व रूप में देखा जाए तो महाराज जो आप हो वही मैं हूं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, मूल रूप में दोनों एक ही है, तत्व रूप में दोनों एक ही है। भगवान शिव
और पार्वती जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा कि तत्व रूप में तो दोनों साथ ही रहते हैं, किसी कारण के वशीभूत भगवान शिव ने इनका त्याग कर दिया था। इन्होंने थोड़ा सा शिव जी के साथ पिछले जन्म में कपट किया था, जिस कारण भगवान शिव ने परित्याग कर दिया। अब इस जन्म में भवानी ने बड़ी तपस्या की है उस प्रभु को पाने के लिए, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर इसे ग्रहण करने के लिए आए हैं। देवी, ये तुम्हारी पुत्री नहीं, तुम भी इसी की पुत्री हो, सारी सृष्टि इसी की पुत्री है। ये भवानी है, आद्या शक्ति है, मोह का त्याग करो। नारद जी के वचन से मैना का मोह भंग हो गया। भगवान शिव के साथ शुभ मुहूर्त में पार्वती जी का विवाह होता है। विवाह उपरांत दहेज के बहुत सारे सामान हिमाचल मैना ने भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने कहा, रखेंगे कहां इतने जो सामान दे रहे हो, दहेज का सोने का पर्व में चांदी की थाल, अनेकों प्रकार के आभूषण, हम रखेंगे कहां, घर तो है नहीं। भगवान ने सबके प्रेम को स्वीकार किया। चलते समय मैना ने कहा, हे प्रभु, हमारी पुत्री से बहुत अपराध हो गए, आप सर्वांतर्यामी हो, एक बार अपराध हुआ तो हजारों हजार वर्ष तक मेरी पुत्री का आपने क्या कर दिया, आज मैं अपनी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ, अब मेरी पुत्री का किसी भी काल में आप त्याग नहीं करेंगे, बहुत गलतियां होंगी, बहुत अपराध करेंगे, प्रभु आप इनका त्याग नहीं करेंगे। अहंकार रहित श्रद्धा आज परमात्मा रूपी शिव को समर्पित हो गई है। श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, दिव्य आनंद को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव पार्वती जी को साथ लेकर कैलाश पहुंच गए। ये कैलाश क्या है? वासना से रहित भूमि, जड़ता से रहित भूमि, सृष्टि के किसी भी तत्वों की जहां पहुंच नहीं, ऐसी ही दिव्य भूमि का नाम, परमात्मा धाम का नाम कैलाश है, जहां जीव पीव से मिलकर एकीभूत होकर दिव्य आनंद को प्राप्त होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही शिव पार्वती का विवाह है। पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान है, विद्यमान है, आज एकीभूत हो गए, अपने में मिला लिया है। जिस जीव को परमात्मा ने उनके दुर्गुण के कारण त्याग रखा था, आज समग्र दुर्गुणों से रहित हो जाने पर उस आत्मा रूपी पार्वती को परमात्मा रूपी शिव अपना अंग बना लिया, अपने में मिला लिया। आत्मा और परमात्मा के मिलन प्रसंग है शिव पार्वती का विवाह। अब आप कल से शिव पार्वती का संवाद सुनेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग चलेगा। एक दो दिन शिव पार्वती का प्रसंग चलेगा। पार्वती जी ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, यह जीव परमात्मा रूपी शिव को क्यों नहीं पहचान पा रहा है, यह जीव परमात्मा रूपी शिव से कैसे अलग हुआ है, कैसे पृथक हुआ है, कैसे फिर मिलेगा, यह शिव और पार्वती का संवाद आप कल से अवश्य लेंगे। राम का भी जन्म होगा, राम का भी विवाह होगा, बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग चलेंगे रामायण से। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलेगी 3:30 से। यद्यपि कथा तो रोज चल ही रही है, लेकिन 6 दिनों तक मैंने भागवत का महात्म मात्रा आपको सुनाया है। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, पावन प्रसंग सुनेंगे और गायक जी से भजन सुन लीजिए।
उसके बाद तो आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे और अभी का कार्यक्रम समाप्त होगा। ओम शांति शांति शांति।